The molarity of 1 liter orthophosphoric acid H3PO4 having 70% purity by weight और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मीनिंग डेंसिटी दिया है, तो ये मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का जो है 1 लीटर, और डेंसिटी भी दिया है। डेंसिटी और वॉल्यूम अगर दिया है तो मास तो हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होगा क्योंकि डेंसिटी में वही यूनिट यूज हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग होता है कि ml, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। तो यहाँ से मास आ जाएगा 1540, और ये मास का यूनिट जो होगा वो ग्राम होगा क्योंकि डेंसिटी में यहाँ पे ग्राम है। इतने ग्राम जो है वो सोल्यूशन का वेट है, टोटल सोल्यूशन का। इसमें जो सॉल्यूट है H3PO4 उसका बस 70% वेट है। तो 70% वेट का मीनिंग है कि कितना मास, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो मास ऑफ H3PO4 के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मास जो है इसका 70% कैलकुलेट करेंगे। तो ये 70% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये आंसर भी ग्राम में ही आएगा। इतना ग्राम जो है वो H3PO4 का वेट है, लेकिन हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमें पता है 1 लीटर, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 अब कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स के लिए तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं, इसका मास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 1078 ग्राम्स, और इसका मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में ही दिया है 98 ग्राम्स। 98 ग्राम यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ये डिवीजन करेंगे तो डायरेक्ट डिवीजन जाएगा, ये 11 आएगा। तो 11 मोल्स से H3PO4 के, और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब 11 मोलर सॉल्यूशन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11।